Reaction TV. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये रिएक्शन टीवी वाले जब से एक्शन में आए हैं माशाल्लाह बहुत कुछ बदल गया, और जो जितना अच्छा काम रिएक्शन टीवी वाले कर रहे हैं बहुत कुछ बदल गया है। रिएक्शन टीवी वालों को मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, और आप लोग जैसे काम कर रहे हैं उसी तरह काम करते रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, और कोई किसी से घबराने किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए मिलते हैं हमारे दोस्त हमारे बड़े भाई मौलाना जुबैर अहमद साहब से, बहुत जैद मौलाना है, क्योंकि मैं इनको बताया हूँ तो आप लीजिए दुआ कर दें। पहले तो मैं हीरा ग्रुप के तमाम इन्वेस्टरों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और डॉक्टर नोहरा शेख आपा से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम इन्वेस्टरों से के लिए अल्लाह तबारक ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम परेशानी तमाम मुसीबतों से आप लोगों को हमकिनार करें, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि डॉक्टर नोहरा शेख आपा आप जो है बस छोटी छोटी दुआएं आपको मैं बता दे रहा हूं, जिसको इंशाल्लाह आप पढ़ेंगी या आपके मतलब जो इन्वेस्टर वगैरह में से जो जानने वाले हैं इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो सारी परेशानी और मुसीबतें आई आपके ऊपर बहुत जल्द मतलब जो है इंशाल्लाह दरकिनार हो जाएंगी। बहुत छोटी सी दुआ है कि जब अल्लाह ताला तब फरमाता है कि जब कोई परेशानी में पड़ो और कोई मतलब जो है मुश्किल आ जाए तो उस वक्त सिर्फ मतलब ये है कम से कम जो है मतलब 450 बार जो है हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील इसको पढ़ा जाए, यानी 450 बार अल्लाह ताला जो है तमाम परेशानियों से दूर करता है। दूसरी कामयाबी, जिस तरीके से आप अपने मुकदमात में फंसी हुई हैं अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि उस मुकदमे में आपको जल्द से जल्द निजात मिले, और जो आपके मुखालिफिन हैं इंशाअल्लाह उन सब की ज़ुबान पे ताला लगेगा मुहर बंद हो जाएगा, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथ हैं, और अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से दूर करे और मुकदमे से जल्द निजात दे। दूसरी कामयाबी की ये दुआ है कि बहुत छोटी सी दुआ है, उसको 111 बार आगे पीछे दुरूद शरीफ जो है पढ़ लेंगी 11 बार पहले और 11 बार बाद में। दुआ यूं है, या फत्ताहुल्लज़ी फतहुन कुल्ल अबवाब या फत्ताहुल्लज़ी फतहुन कुल्ल अबवाब या फत्ताहुल्लज़ी फतहुन कुल्ल अबवाब, ये कामयाबी के लिए है। अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देंगे इंशाअल्लाह, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। इस दुआ को 111 बार पढ़ना है, और इस दुआ के आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द मतलब कामयाबी मिलेगी और दुश्मनों से निजात मिलेगा। तो मैं नोहरा पास से मैं ये गुजारिश करता हूँ, और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत जल्द जो है इन मुकदमात जो फंसी हुई हैं जो फंसाया गया है गलत तरीके से उससे निजात मिलेगा और छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह, और दुश्मनों का मुँह काला होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज ये सारे इन्वेस्टर जान चुके हैं कि ये MIM वाले जो कहानी रचे थे, और जिस बुरी तरह से डॉक्टर नोहरा शेख आपा को इन समों ने फंसाया और हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, और अभी भी इन सबों को चैन नहीं है। आज डॉक्टर नोहरा शेख आपा जेल के अंदर हैं, और हुकूमत के या कोर्ट में या सारे लोगों का जवाब दे रही हैं, उसके बाद भी आज उनकी बेल कैंसिल कराई जा रही है, और उनको बिला वजह फालतू का मतलब जो है वो CBI और NIA इंक्वायरी की धमकी दी जा रही है। ये MIM वाले इतना गलत काम कर रहे हैं कि इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं। और इन्वेस्टर भाई हमारी इन्वेस्टर भाई हमारे बहनें हमारे माँ हमारे बुजुर्ग, आप लोग एक काम ये करें कि रोड जाम करने का काम करें। हैदराबाद में जो है रोड जाम करने का काम करें, और मुंबई के इन्वेस्टर भाइयों से मैं कह देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है हैदराबाद पहुँच कर हैदराबाद के जेल भरने का काम करें।
जेल भरो आंदोलन, जेल भरने का काम करें। डॉक्टर नोएरा शेख आपा के साथ जब तक इंसाफ नहीं हो जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, सारे लोग मिलकर जो है जेल भरो आंदोलन करें। और ये भी कहना चाह रहा हूँ, उसको नारा दीजिए कि एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। जब तक हमारी डॉक्टर नोएरा शेख आपा, हमारी बहन, हमारी माँ को इंसाफ नहीं मिल जा रहा है, जब तक उनको जो है रिहाई नहीं मिल रही है, उनको साथ जब तक जुल्म हो रहा है, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है जेल भरने का काम करेंगे। ये जुर्म बहुत हो चुका, ये एंटी हीरा वाले, MIM वाले जुर्म पे जुर्म करते जा रहे हैं। एक जुर्म की इंतहा होती है। और एक बात कह देना चाह रहा हूँ कि हीरा ग्रुप के मेंबर को ही नहीं, ये सब मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन हैं कि कहीं भी कुछ भी मामला होता है तो यही सब मुसलमानों के ऊपर मुकदमा लगवाते हैं और मुसलमानों को जेल के अंदर करवाते हैं। फिर उसके बाद स्टेज पे आके खड़े होकर भाषण देंगे, पहले तो मुकदमा लगवाएंगे, एजेंसियों से जांच करवाने की धमकी देंगे, फर्जी मुकदमा लगवाने का काम करेंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे और इन्वेस्टर हों, चाहे वो TV चैनल वाले हों, हीरा ग्रुप के साथ हम लोग बिजनेस किए तो हीरा ग्रुप के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन आज हम लोगों को दलाल कहा जा रहा है, हमारे नाम नबी औती के नाम FIR भी किया गया, तो हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग 2 नहीं 10 FIR करवा लो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे वो मुंबई के इन्वेस्टर हों, औरंगाबाद के हों, हैदराबाद के हों, कर्नाटक हों, तेलंगाना को कहीं के हों, पूरे भारत के इन्वेस्टर जो है, आप लोग रोड पे उतरने का काम करिए और ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। आप लोग ये सब ऐसे मानने वाले नहीं हैं। जब तक आप लोग अपने घरों में सोए रहेंगे तो ये सब कुछ ना कुछ किया करेंगे। और जिस दिन सारे इन्वेस्टर जाग जाएंगे, उस दिन इन सबों की औकात समझ में आ जाएगी। यही इन्वेस्टर जो है इन सबों की औकात समझाएंगे, इन सबों की क्या औकात है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं लाइव आता हूँ। अल्लाह हाफिज़।